दोस्तों, मैं आज आपके साथ हमारा देश, हमारा मजहब, धर्म, रिलीजन, राष्ट्रवाद और इस प्रकार के कुछ मिले जुले मुद्दे जो समाज की सोच में चारों तरफ चल रहे हैं, उनके आधार पे कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा। जहाँ तक धर्म का सवाल है, भारत में बहुत सारे धर्म सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। एक तरफ से हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराएं ये चली। उसी के साथ यहाँ भारत में सबसे पहले जो बाहर से कहते हैं, पर ये धर्म कोई बाहर से और अंदर से नहीं होते हैं, तो जब ईसाई धर्म का विकास हो रहा था, उसी के साथ साथ करीब 52 इयर्स बाद भारत में भी ईसाई धर्म का विकास होना चालू हो गया। और जब इस्लाम पैदा हुआ, इस्लाम की शुरुआत हुई, कई लोगों के इसमें अलग अलग प्रकार के विचार हैं, पर ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि मोहम्मद साहब के आने के बाद से जब इस्लाम एक प्रकार से विस्तृत हो गया, तो उसके थोड़े सालों बाद ही अरब के व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम ने भी प्रवेश किया। पहले यहाँ गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, भगवान महावीर, जैन धर्म, ये धर्म मौजूद थे और लोग एक दूसरे की धार्मिक परंपराओं के आदर करके समाज को आगे विकसित करते रहे। भारतीय समाज में दो बड़ी परंपराएं जो जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, उसमें एक है हमारी भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा में कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, इन लोगों ने धर्म को एक नैतिकता के आधार पर देखा। और ऐसे ही जो सूफी संत बहुत लोकप्रिय हुए, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज़, इन्होंने भी धर्म को एक लोगों के बीच में सामाजिक संबंधों के आधार पर देखा और हिंदू मुसलमान की एकता, जिसमें इस प्रकार के दीवारें नहीं थी, वो अलग अलग धर्मों का अस्तित्व भारत में रहा। यहाँ जो कई राजा भी हुए, कई राजाओं ने अपने धर्म के नाम पे आज उन्हें पहचाना जाता है, पर वास्तव में राजा लोग राज्य करते थे, सत्ता का विस्तार करते थे, अपनी संपत्ति का विस्तार करते थे, अपने राज्य के अंदर टैक्स वसूल करते थे एक सिस्टम के माध्यम से, और राज्य के बाहर उनकी सेनाएं जाकर लूट मार भी करती थी। तो ये सत्ता का सवाल हो गया। अंग्रेज़ों के आने के बाद पहली बार ऐसे शासक यहाँ आए जिन्होंने इस देश को अपना घर नहीं बनाया, वो रहे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के वासी रहे और यहाँ की संपत्ति लूट कर इंग्लैंड ले गए। और इसी के साथ उन्होंने जो नींव डाली, वहाँ कुछ राजनीतिक प्रभाव निकले जिन्होंने धर्म के आधार पे अपनी राजनीति करने की बात रखी। उसकी भी शुरुआत ऐसे होती है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ जिस प्रकार के इतिहास को सामने लाया, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी जो राजा को उसके धर्म के चश्मे से देखती है। अब वास्तव में इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी के रूप में समझने की कोशिश करता हूँ कि इतिहास में समाज का निर्माण हुआ, संस्कृति का निर्माण हुआ, कला का निर्माण हुआ, साहित्य का निर्माण हुआ, धर्मों का प्रसार हुआ, ये सब परंपराएं हमारे समाज में चली। इतिहास में अगर हम देखें तो अलग अलग तबके के लोगों ने अलग अलग प्रकार से योगदान दिया। महिलाओं का योगदान है, किसानों का योगदान है, जो दस्तकार थे उनका योगदान है, आदिवासियों का योगदान है। तो ये एक प्रकार से इतिहास को देखने का तरीका होता है। अंग्रेज़ों के आने के बाद एक प्रकार का इतिहास बहुत तेज़ी से बढ़ा और वो इतिहास था जो राजाओं को धर्म के चश्मे से देखता था। और इसी के कारण बाद में चलकर यहाँ जो सांप्रदायिक प्रवाह, जो प्रवाह शुरू में राजाओं से, नवाबों से निकले, ये प्रभावों ने सामाजिक परिवर्तन जो उस समय हो रहे थे, सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहे थे, आधुनिक शिक्षा का परिवर्तन हो रहा था, सामाजिक बराबरी के लिए शुरुआत हो गई थी, दलितों की शिक्षा की, औरतों की शिक्षा की, इसके साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे थे वो राजा नवाबों को काफ़ी बेचैन कर देने वाले थे। और यहाँ उन्होंने एक बहुत कुटिल खेल खेला, एक ऐसा खेल खेला कि जब उन्हें लगा उनकी सत्ता खतरे में है, तो वो धर्म के आवरण को सामने ले आए और ये धर्म का राजनीति में उपयोग था। इसी समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रकार से वो राजनीति चली जिसने यहाँ के लोगों के मुद्दों को लेकर, ब्रिटिश विरोध को लेकर अपनी बात को सामने रखी। इसमें भगत सिंह आते हैं एक महान व्यक्ति के रूप में,
जो मजदूरों के सवाल, दलितों के सवाल, शोषण के सवाल पे के आधार पे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन, वैचारिक आंदोलन शुरुआत करते हैं, वो इसमें हिस्सा भी लेते हैं अलग अलग तरीक़ों से। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, वो सामाजिक समता को बहुत महत्व देते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हैं, और ये कभी भी नहीं देखते कि सवाल केवल दलितों का है, ऐसा उन्हें कभी नहीं लगा। सवाल पूरे भारत का है, सवाल पूरी मानवता का है, इसी के आधार पर उन्होंने अपने विचार रखे। इसी के साथ पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो खड़ा होता है उसमें धार्मिक लोग भी थे, नास्तिक लोग भी थे, एग्नोस्टिक थे, जो बीच की लाइन क्या थे, पर ये सब ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पे इस समाज के मुद्दों को ले चलने की बात कही। इसमें दो बड़े उदाहरण आपको दे दूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक महान मुसलमान जो आज़ादी के आंदोलन के बड़े नेता थे, मोहनदास करमचंद गांधी, एक महान हिंदू, शायद 20वीं शताब्दी के सबसे महान हिंदू, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अंतिम समय तक अपनी छाती से लगाए रखा। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन जो बना, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, इसने कभी धर्म के आधार पे राजनीति करने की बात नहीं की। इसका मुख्य राजनीतिक मुद्दा था एक, अंग्रेज़ों का विरोध, नंबर दो, उस प्रकार के मूल्यों को लेकर चलना जिसमें फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, मजदूरों के सवाल, किसानों के सवाल, समाज के सभी तबकों के सवाल का प्रतिनिधित्व हो। अब ये राजनीति तो है, पर इसमें धर्म का मुलम्मा नहीं है। अब धर्म का मुलम्मा, धर्म का लेयर, धर्म का आवरण कहाँ से आता है? वो आता है शुरुआत में राजाओं के बीच से, नवाबों के बीच से, जिनका पहले एक रहते हैं और बाद में चलकर एक तरफ बनती है मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ बनती है हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा के बाद उसी विचारों को लेकर बनती है आरएसएस। मुस्लिम लीग ने आगे चलकर मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो आप यहाँ फ़र्क देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो समाज के असली मुद्दों को, समाज के संबंधों पर जोर देते हैं। समाज के असली मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, और सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध यानी समाज के दो लोगों के बीच में बराबरी का संबंध, ये इधर के लोग जो बात करते हैं, जो नए प्रकार के भारत का सपना देखते हैं। इसके उलट जो जिस विचारधाराओं की शुरुआत राजाशाही से हुई, वो लोगों ने धर्म के आवरण को अपने शरीर पर ओढ़े रखा। मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करती रही। मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग के जो बाद में चलकर सबसे बड़े लीडर हुए, वो मोहम्मद अली जिन्ना, वो अपनी निजी ज़िंदगी में इतने धार्मिक नहीं थे। पूरे एक वेस्टर्नाइज जिसको कह सकते हैं, पूरे वेस्टर्नाइज थे, खाने पीने में उनका कोई परहेज़ नहीं था, और एक आधुनिक ज़िंदगी, एक बहुत ब्रिलियंट लॉयर थे, उसके आधार पर जीते थे। इधर हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को सामने रखने वाले सावरकर, ये नास्तिक थे। इन्होंने कहा गाय तो उपयोगी पशु है, इसको माता मानना गलत है। तो ये जो गोलमाल इन्होंने किया, ये इन्होंने धर्म के नाम को लेकर इसका राजनीति में इस्तेमाल हुआ। तो शुरुआत में कह दूँ, दो प्रवाह, एक तरफ भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर जैसे लोग, दूसरी तरफ जिन्ना, हिंदू महासभा, सावरकर और आरएसएस जैसे लोग। तो इन लोगों ने जो दूसरा वर्ग है, इन्होंने धर्म के नाम की राजनीति को खड़ा किया। अब यही हुआ हमारी आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद एक तरफ बात खड़ी हुई कि यहाँ बांध बनाने हैं, फैक्ट्रियाँ बनानी हैं, आधुनिक शिक्षा को गहरा करना है, एक तरफ ये बात हुई, और दूसरी तरफ बात हुई हिंदू राष्ट्र का सपना, जो धीरे धीरे चलकर इसने शुरू में मुसलमानों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठाया, और जो किसानों की प्रगति की बातें थी उनका विरोध किया, और 1980 के बाद से एक तरफ जहाँ शाहबानों का मुद्दा एक खतरनाक तरीके से समाज में विभाजन के रूप को ले आया, दूसरी तरफ से राम मंदिर का मुद्दा आया, जिसने धर्म की आड़ में एक राजनीति खेली है। तो आज भी समाज में ये दोनों प्रवाह मौजूद हैं। एक प्रवाह वो है जो इस बात को जोर देना चाहता है कि आप देखिए किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मज़दूरों का बुरा हाल क्या है, क्यों है,
समाज के इतने लोग गरीबी की रेखा के नीचे क्यों हैं, समाज में महिलाओं पर अत्याचार क्यों होते हैं, आदिवासियों को उनकी जगह से बेदखल क्यों किया जा रहा है, ये एक प्रकार के मुद्दे हैं। और दूसरे प्रकार के मुद्दे वो हैं जो आज बड़ी आक्रामकता से एक राष्ट्रवाद को, हिंदू राष्ट्रवाद को एक धार्मिक रंग दे रहे हैं। यहाँ ये बात क्लियर कर दूँ, जैसे यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति को गुमराह किया जा रहा है, वैसे बांग्लादेश में भी है, वैसे पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है। और ये भी बता दूं कि म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे इसी प्रकार की राजनीति को खड़ा किया गया। तो ये राजनीति जो धर्म के आवरण में आके चलती है, ये भावनात्मक मुद्दों के आधार पे नंबर एक समाज को बांटती है। राम मंदिर, गऊ हमारी माता है, लव जिहाद, घर वापसी, जय श्री राम वगैरह मुद्दों को लेकर इस समाज को बांटती है। नंबर दो, समाज के जो असली मुद्दे हैं वो हमारे हाशिए पर चले जाते हैं और उन मुद्दों के ऊपर ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता। इसमें बहुत सारी बातें जोड़ी जा सकती हैं कि ये जो राजनीति आती है ये कुछ कॉरपोरेट बड़े पूंजीपतियों के हित संबंधों को भी मजबूत करती है। तो हमें धर्म को कैसे देखना चाहिए, राजनीति को कैसे देखना चाहिए, तो मेरे लिए इसके लिए दो बड़े आदर्श हैं। एक आदर्श मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो एक महान मुसलमान और पूरी तौर से भारत के विभाजन का विरोध करते हैं, पूरी तौर से धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। दूसरी तरफ मोहनदास करमचंद गांधी, एक महान हिंदू, अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं और सभी लोगों को जोड़कर समाज में ले चलते हैं। तो ये धर्म और राजनीति की का संबंध क्या होना चाहिए, ये हमें मोहनदास करमचंद गांधी से सीखना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से सीखना चाहिए। और जो दूसरे लोग, जैसे मुस्लिम लीग की नींव यहाँ पड़ी, बाद में जाकर इसने पाकिस्तान में जिस प्रकार से राजनीति की वो हमने देखी, उसी पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, बाद में चलकर बंटवारे के कारण दो देशों में टूट गया। तो ये भी देखने की ज़रूरत है, क्या धर्म देश की एकता का आधार हो सकता है? पाकिस्तान के उदाहरण से हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि धर्म देश की एकता का आधार नहीं हो सकता। देश की एकता का आधार केवल धर्मनिरपेक्ष मूल्य, भारतीय संविधान के मूल्य ही देश को एक करके आगे ले चल सकते हैं। तो धर्म एक नैतिक रास्ता है, धर्म वो है जो हमें बताता है सही क्या है, गलत क्या है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि धर्म ये मानवता का दूसरा नाम है, समाज के लोगों से प्यार करने का, लोगों में प्यार की भावना को फैलाने का दूसरा नाम है, जो वो धर्म होना चाहिए। और राजनीति, राजनीति क्या होना चाहिए? राजनीति होना चाहिए जो लोगों के इस दुनिया के सवालों को हल करे। वो बेकारी का मामला हो, बेरोज़गारी से जुड़े हुए सवाल हों, किसानों की कृषि समस्या का सवाल हो, औद्योगिकरण से जुड़े हुए मजदूरों का सवाल हो, ये सब मुद्दों को जो लेके चलती है राजनीति वो है। और राजनीति उन्हीं आधारों पर की जानी चाहिए। धर्म के मुद्दों को लेकर, भावनात्मक मुद्दों को लेकर राजनीति करना गलत है और ये हमारे समाज को पीछे की दिशा में ढकेल सकता है। तो उद्देश्य यह है दोस्तों कि हम धर्म का अपमान न करें। यहाँ मैंने अपने लिए तीन मूल्य बनाए हुए हैं। नंबर एक, धर्म सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर। नंबर दो, आज़ादी के आंदोलन के मूल्य जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के रूप में आए हैं, उस रास्ते पर चलना। और नंबर तीन, एक सपना देखना ऐसी दुनिया का जहाँ यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हमें बताता है कि सभी लोगों को पूरी इज्जत से, बराबरी से जीने का अधिकार है, उस सपने की तरफ चलने की कोशिश करना, यही हमारा सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूँ कि जिन देशों ने धर्म के नाम पर राजनीति के रास्ते पर चलने का काम किया, उन देशों में प्रगति की का रास्ता रुक गया, उन देशों में प्रगति का रास्ता रुक गया। और भारत ने जो धर्म को एक निजी मामला मान के, एक आदर का मामला मान के, जो यहाँ के भौतिक मूल्यों के विकास के लिए आगे चले, वो एक चीज़ है जिससे भारत पहले 40 सालों में इसने एक बड़े मानदंड स्थापित कर लिए, 40 सालों में, 50 सालों में, 60 सालों में। अब
जब तक हम पाकिस्तान का अगर उदाहरण देखते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को खुद लगता है कि हमारा जो रास्ता है, जो मज़हब के नाम पे यहाँ सियासत हुई, उससे हमारा विकास कहीं रुक गया है। तो ये दो बातें हमें याद रखना चाहिए। जहाँ भी धर्म के नाम पर राजनीति आती है वो लोगों में बंटवारा करती है, विकास को रोकती है और उसमें एक अधिनायकवाद भी आ जाता है। और दूसरी तरफ जहाँ राजनीति लोगों के सवालों से जुड़ी रहती है और धर्म को हम एक निजी मामला मान के चलते हैं, समाज के विकास की प्रक्रिया तेज होती है। धन्यवाद।